Today I will teach you about one and more than one. So let's start. So my lovely kids, आज हम पढ़ेंगे one and more than one के बारे में. Okay? One मतलब एक चीज और more than one मतलब एक से ज्यादा चीज. तो चलो आओ देखते हैं कि ये वन और मोर देन वन क्या है. ठीक है. अ गर्ल आस्क्ड टू बॉय डू यू हैव वन मोर पेंसिल. यस टीना आई हैव टू पेंसिल्स. ठीक है. बॉय सेड एंड ही सेड आई कैन गिव यू वन पेंसिल. ठीक है. चलो आओ देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है और इसमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम वन एंड मोर देन वन को समझ सकते हैं. Look at the words in bold letters. One pencil, two pencils. कुछ difference आपको नजर आया? कुछ difference आपने देखा? Yes. यहाँ पर only pencil लिखा है और यहाँ पे pencils लिखा है क्योंकि वो one से ज्यादा है, वो two है, उसकी quantity two है. तो जिस चीज की quantity one से ज्यादा रहती है वहां पर हम उस वर्ड के बाद में मतलब लास्ट में एस का यूज करते हैं. ठीक है. तो चलो आओ कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे. वी ऑफन ऐड एस टू शो मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. हम अक्सर एस का यूज तब करते हैं जब कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग और कोई एनिमल एक से ज्यादा होते हैं. सो आओ चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. लुक एट मोर एग्जाम्पल्स. वन गर्ल, टू गर्ल्स. ठीक है. वन से ज्यादा हो गई तो गर्ल्स. ठीक है. एस लग गया. वन जग, एट जग्स. एस लग गया क्योंकि एक से ज्यादा है. वन टॉय, थ्री टॉयज. वन पेयर, फोर पेयर्स. तो आपने ये देखा कि एक ही चीज, एक पर्सन, एक थिंग, एक प्लेस, एक फ्रूट, एक एनिमल, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ उनका उनका नाम लिखेंगे. ठीक है. बट वो एक से ज्यादा है तो हमेशा हम उनके नाम के बाद एस लगा देंगे. ठीक है. सिंपल, बहुत ही सिंपल है. कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे तो जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट. तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, राइट ओ फॉर वन एंड एम फॉर मोर देन वन. हमें क्या करना है, हमें उस जगह पर ओ लिखना है जहां पर जिसकी क्वांटिटी सिर्फ एक है और वहां पर जहां पर एक से ज्यादा क्वांटिटी है वहां पर हमें एम लिखना है. ठीक है. तो चलो और देखते हैं, करते हैं. ये लिखा है शॉप्स. अब सिंपली आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि शॉप के बाद लिखा है एस, तो मतलब बहुत सारी शॉप हैं, एक शॉप नहीं है. तो यहां पर हमें एम लिखना है क्योंकि मोर देन वन में हमें एम लिख के दिखाना है. शिप, यहाँ पे कोई एस नहीं लिखा है नाम के आगे तो यहां पर हम ओ लिखेंगे. शर्ट, ये भी सिंपल, ये भी एक ही चीज है. थंब, ये भी एक है. थॉर्न्स, एस लग गया तो एम लिख देंगे क्योंकि मोर देन वन है ये. चीक्स, ये भी एम में आएगा बिकॉज यहां पर एस लग गया. सैंडविच, एक ही सैंडविच है तो यहां पर वन. चेन्स, बहुत सारी चेन्स हैं, एम. मोथ्स, यहां पर बहुत सारे मोथ्स हैं तो एम. रिंग्स, एम. सिंगर्स, एम. स्विंग, ओ. ठीक है. तो इस तरीके से एक्सरसाइजेस करने हैं और समझना है कि वन और मोर देन वन क्या होते हैं. तो बहुत ही सिंपल मेथड है. वन में वो सिंपल सा आपका नाम लिखे, जैसे पेन, पेंसिल, बुक, कार, है ना. तो इसके आगे कोई भी एस नहीं लगा है. बट जैसे ही एस उसमें एड ऑन हो जाएगा आप समझ जाओ वो मोर देन वन है, वन से ज्यादा चीज है. ठीक है. सिंपल. ये क्या है, सोप. एक सोप, सोप. टू हो गए तो क्या लिखेंगे हम, सोप्स. एस लगा देंगे. ओके. बेल्स, यहां पर एक ही बेल है तो क्या लिखेंगे, बेल. लेडी बर्ड्स, एक ही लेडी बर्ड है तो क्या लिखेंगे, लेडी बर्ड. प्लेट, प्लेट, बहुत सारे प्लेट्स हैं तो एस लग जाएगा. डक, बहुत सारे डक हैं तो क्या लिखेंगे, डक्स. डॉग्स, एक ही डॉग है तो क्या लिखेंगे, डॉग. सिंपल, बहुत ही सिंपल है. ओके.
तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कौन सी एक्सरसाइज दी है. लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स इन द कॉलम्स गिवन बिलो. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स में से जो वन है वहां पे इनके नाम लिखने हैं और जो मोर देन वन है यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं. तो अब आप चेक करो, सबसे पहली पिक्चर हम देखेंगे ये क्या है, बैग. एक ही बैग है तो बैग वन में आएगा, बैग. दूसरी पिक्चर बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं तो मोर देन वन में आएगा, बी डबल ओ के एस, बुक्स. ट्री, एक ही ट्री है तो ट्री, ओनली ट्री. स्कूल, एक स्कूल है तो वन में आएगा, स्कूल. डॉल, एक ही डॉल है तो यहां पे आ जाएगा डॉल. कीज, बहुत सारी कीज हैं. पेंसिल्स, बहुत सारी पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स. कार भी एक से ज्यादा है, मोर देन वन है तो कार्स, एस लग गया, एस एस एस, है ना. तो ये हो गई एक्सरसाइजेस कंप्लीट. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया होगा और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वन एंड मोर देन वन का, ये क्लियर हो गया होगा.